बिसमिल्ल रहीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे आई सी एस पार्ट वन यानी कि अलेवंथ क्लास और चैप्टर नंबर वन है चैप्टर नंबर वन का ये लेक्चर नंबर फ़ोर है चलें स्टार्ट करते हैं वट इज़ इनपुट इनपुट क्या है वट इज़ द यूज़ ऑफ इनपुट डिवाइस जो इनपुट डिवाइज़ हैं उनके क्या क्या इस्तेमाल हैं लिस्ट ऑफ़ डिफरेंट टाइप ऑफ़ इनपुट डिवाइज़ और इनपुट डिवाइस की मुख्य टाइप बयान करें सबसे पहले है कि वट इज़ इनपुट इनपुट क्या चीज़ है एनी थिंग कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं बेशक वो टेक्स के फॉर्म में है बेशक वो वॉइस के फॉर्म में है बेशक वो इमेज के फॉर्म में है वो इनपुट कहलाता है एनी थिंग गिवन टू द कंप्यूटर सच डाटा इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज इनपुट कोई डाटा हो सकता है या कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसको इनपुट कहते हैं देर आर टू मैथर्ड्स ऑफ एंट्रिक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू द कंप्यूटर दो तरीके जो मेन हैं एक डायरेक्ट इनपुट और एक इन डरेक्ट इनपुट है जिसके ज़रिए हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर को देते हैं डायरेक्ट इनपुट क्या है जो कोई भी डाटा डायरेक्ट यानी कि बगैया किसी थर्ड आर्गमेंट या डिवाइस के जरिए डायरेक्ट जा रहा हो बगा किसी डिवाइस के वो डायरेक्ट जा रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये डायरेक्ट इनपुट है लेकिन अगर इंसान किसी तीसरी डिवाइस के जरिए कोई इनपुट देना चाह रहा है या दे रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो इनडायरेक्ट इनपुट है तो ये पढ़ लेते हैं क्या लिखा है ए मेथड इन विच डाटा इज़ एंटर डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू द कंप्यूटर इज़ कॉल द डायरेक्ट इनपुट यानी कि जो सोर्स है वहाँ से लेके जो डाटा इनपुट होता है कंप्यूटर तक अगर वो वो डायरेक्ट हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट इनपुट की एग्जाम्पल है फॉर एग्ज़ाम्पल ए स्पीच एंटर इन टू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन माइक्रोफोन के जरिए कोई भी स्पीच जो एंटर की जाती है वो डायरेक्ट इनपुट कहलाती है और इनडायरेक्ट क्या है ए मेथड इन विच डाटा इज़ एंटर्ड विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनपुट तो डाटा अगर एंटर तो हो गया है लेकिन अगर किसी तीसरी डिवाइस या इंटरमीडिएटली यानी कि किसी तीसरे बंदे या तीसरे हिस्से के जरिए इनपुट जा रहा है तो हम उसको कहेंगे कि वो इनडायरेक्ट इनपुट है इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस क्या चीज़ है एंड इनपुट डिवाइस इज़ ए हार्डवेयर कंपोनेंट डेट इज़ यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन टू कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है हार्डवेयर का मतलब ये है कि वो डिवाइसिस जिसको हम टच कर सकते हैं जैसे माउस है कीबोर्ड है रैम है हार्ड है इन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं तो ये तमाम हार्डवेयर हैं तो इनके अंदर जो इनपुट डिवाइस हैं वो कीबोर्ड और माउस है इनपुट डिवाइसेस टेक डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इन फॉर्म डैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर तो फिर उसको जो मालूम दी जाती है इस तरह कन्वर्ट किया जाता है कि वो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो देर आर थ्री जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस तीन मेन टाइप्स हैं इनपुट डिवाइसेस की एक कीबोर्ड प्रिंटिंग डिवाइसेस थर्ड जो है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस चलें इनको देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या चीज़ आती है वट इज़ की बोर्ड कीबोर्ड क्या चीज़ है डिस्क्राइब इन्हांस्ड की बोर्ड एंड ईज सेगमेंट इन्हांस कीबोर्ड क्या है और उसके सेगमेंट क्या है यानी कि पार्ट्स कौन कौन से हैं सबसे पहले देखते हैं की बोर्ड कीबोर्ड क्या चीज़ है कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है डाटा इज मोस्टली एंटर यूजिंग द कीबोर्ड ज़्यादातर दो डाटा एंटर किया जाता है वो कीबोर्ड के जरिए ही किया जाता है दी बटन्न द कीबोर्ड और कॉल्ड कीज़ जो कीबोर्ड के ऊपर बटन लगे होते हैं हम उनको कीज़ कहते हैं स्टैंडर्स कीबोर्ड कंटेन ओवर सो कीज़ एक्टैंडर जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर तकरीबन सौ या सौ से ज़्यादा कीज़ लगी होती हैं यानी कि बटन लगे होते हैं एक कीबोर्ड कंटेन नुमरिक कीज़ अल्फ़ाबेटिक कीज़ फंक्शन कीज़ एंड स्पेशल पर्पज़ कीज़ तो कोई भी कीबोर्ड होता है उसके ऊपर मुख्य नमेरिक कीज़ होती हैं अल्फ़ाबेटिकली की होती हैं यानी कि ए बी सी वाली और नूमेरिक वन टू थ्री वाली और फंक्शनल कीज यानी कि एफ़ वन एफ टू एफ थ्री और स्पेशल परपज़ की यानी कि जैसे कंट्रोल आर्ट और शिफ्ट है स्टैंडर्ड की बोर्ड इज़ नॉर्मल रिकॉर्ड क्विट्री कीबोर्ड इट इज़ बिकॉज द फर्स्ट सिक्स कीज़ ऑन द टॉप रो ऑफ लेटर ऑन दी कीबोर्ड्स आर क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसको हम क्विटरी कीबोर्ड कहते हैं क्योंकि उसकी जो टॉप वाली लाइन है उसके जो सिक्स डिजिट हैं उस वो क्यू से शुरू होते हैं क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई तो इसलिए इसको क्विटरी कीबोर्ड कहते हैं तो इसकी जो मुख्तफ़ टाइप्स हैं कीज़ की उसमें एक फंक्शन कीज़ है फंक्शन की ये वाली होती हैं ये एफ़ वन एफ़ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन और ट्वेल्व यहाँ तक ये यह फंक्शनल सी कीज़ होती हैं और उसके बाद जो मेन कीबोर्ड होता है वो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेन पार्ट है ये वाला मेन कीबोर्ड कहलाता है इसके बाद नुमरी कीज़ हैं ये जो कीज़ आपको नज़र आ रही हैं ये नुमरी कीज़ हैं उसके बाद एडिशनल कीज़ हैं कुछ कीबोर्ड्स के अंदर ये एडिशनल कीज़ लगी होती हैं इसको हम कहते हैं कि ये अडिशनल पोर्शन है या एडिशनल कीज़ हैं सबसे पहले बारी बारी इनको देख लेते हैं सबसे पहले है फंक्शनल कीज़ या फंक्शन कीज़ फंक्शन कीज़ फंक्शन कीज़ फ्राम एफ़ वन टू एफ़ ट्वेल्व आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन ये जो एक से लेकर बारह तक एफ़ के साथ कीज़ अवेलेबल हैं इनके स्पेशल परपज़ होते हैं कि कौन सी की दबाने पर कौन सा काम हो दे आर फंक्शन डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर बींग यूज इन द कंप्यूटर कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर हर कीज़ की अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने वर्ल्ड ओपन किया हुआ है उसके अंदर इन बारह कीज़ की और तरह की फंक्शनैलिटी होगी इसी तरह अगर हमने वीडियो एडिटिंग वाला कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है उनके अंदर F1 से लेके F12 की ट्व फंक्शनैलिटीज़ मुख्तिफ़नालिटीज़ होंगी इसके अलावा अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन वाला या कोई और सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है वीडियो चलाने वाला तो उनके अंदर F1 से लेके F12 तक हर बटन का अलग फंक्शन होगा यानी कि सेम नहीं होगा हर एक के अंदर मेन कीबोर्ड मेन कीबोर्ड जो मैंने पहले बताया कि ये वाला जो पोर्शन है हम इसको कहते हैं कि ये मेन कीबोर्ड है द मेन कीबोर्ड इंक्ल्यूज द की फाउंड ऑन द टाइप राइटर की पैड कि टाइपराइटर की पैड जो होता है उसके अंदर आप ये मेन कीबोर्ड दे सकते हैं ये वाला ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है इट आल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज़ और इसके अंदर सम स्पेशल कीज़ भी अवेलेबल होती हैं फास्कर हम ये देखें शिफ्ट कॉन्ट और आर्ट वाली स्पेशल कीज़ हेव डिफरेंट यूज़ एंड इफेक्ट्स डेट डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर बींग यूज तो इन स्पेशल कीज़ के भी मुख्त इफेक्ट हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके अंदर मुख्तु कीज़ की क्या क्या फंक्शनैलिटी डिफाइन की गई हैं वन ज़ीरो वन की इनहानस पहले जो हमने देखा था वो क्विटरी की बोर्ड था यानी कि जिसके पहले सिक्स लेटर थे क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई इसलिए उसका वो कहते हैं क्विटरी की बोर्ड तो ये वन जीरो वन इन्हास की बोर्ड है इसके अंदर क्या चीज़ है ये देख लेते हैं वन ज़ीरो वन की इनहासड कीबोर्ड है सम एडिशनल कीज़ बिटवीन द मेन की पैड एंड द मैरी कीज़ तो इस की बोर्ड के अंदर क्या होता है कि ये जो मेन की key है की पैड है और ये जो मेरी की पैड है इनके दरमियान कुछ ये कह रहा है कि ये एडिशनल कीज अवेलेबल होती हैं ये वाली इट आल्सो कंटेन स्टेटस लाइन इन दी अपर राइट कॉर्नर तो यहाँ स्टेटस लाइट भी अवेलेबल होती है जो कि शो कर रहे होता है मुख्य चीज़ों का स्टेटस जैसे नमला को हो गया या कीबोर्ड की कनेक्टिविटी बताने के लिए मुख्य स्टेटस लाइट अवेलेबल होती हैं इस्केप्स की या ई एस सी की ई एस सी की इज यूज टू टर्मिनेट ए कमांड ऑन करंट टास्क कोई भी काम हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फुल स्क्रीन के साथ वीडियो ओपन की हुई है या वीडियो आप देख रहे हैं तो आप जो सबसे लेफ्ट के ऊपर सबसे पहला बटन होता है यानी कि ई एस सी का उसको दबाएंगे तो वो फंक्शन जो आपके सामने चल रहा है वो टर्मिनेट हो जाएगा यानी कि ख़त्म हो जाएगा इसी तरह मुख्त सॉफ्टवेयर के अंदर इस कीज़ के मुखलफ़ फ़ंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं ज़्यादातर ये करंट सॉफ्टवेयर जो चल रहा होता है और उसके ऊपर जो करंट टास्क चल रहा होता है उसको टर्मिनेट होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कैप्सलॉक कीज कैप्सॉ कीज इज स्ट्रोगल की दी करेक्टर्स अपीयर इन दी अपर केस इफ इट इज़ प्रेस्ड तो कैप्सोला को अगर हम प्रेस करके रख देंगे तो जो भी टाइप हम करेंगे उसका अपर जो आएगा वो हमें शो होगा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोअर में ए में प्रेस करते हैं तो वो अगर कैप्सुलॉ प्रेस्ड है तो उसका जो टाइप किया हुआ लफज है वो अपर में यानी कि अपर ए बी सी में हमें शो होगा दि करेक्टर्स अपीयर इन द लो केस इफ इट इज़ नॉट प्रेस्ड अगर वो प्रेस नहीं है तो वो लोर का लोअर ही शो होगा नंबर्स एंड सिम्बल्स आर नॉट अफेक्टेड। तो इस कैप्सलॉग के अंदर नंबर और जो स्पेशल सिम्बल्स अवेलेबल हैं जैसे प्लस का माइनस का तो वो इस कैप्सलॉग से कोई अफेक्ट नहीं लेते यानी कि ये सेम रहते हैं देटस लाइट अंडर कैप्सोलॉग टर्न ऑन वेन इट प्रेस्ड तो जैसे ही हम कैपलॉग को प्रेस करते हैं तो इसके अंगेंस्ट स्टेटस लाइन लाइट शो हो जाती है कि कैप्स लॉक को आपने प्रेस किया हुआ है उसके बाद आ जाता है टैब की द टैब की इज़ यूज टू मूव द दसर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप बाज़ दफ़ा हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो फॉर्म के अंदर मुख्तु तरह का डाटा वो मांगते हैं वहाँ मुख्तु तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो बजाय के हम माउस को बार बार पकड़ के ऊपर से नीचे आएँ फिर नीचे आएँ यानी कि मुख्तु खाने जो बने होते हैं उनके अंदर जब हम डाटा फिल करते हैं तो हम माउस से पकड़ के पहले नाम लिखते हैं फिर आगे चले जाते हैं माउस से फिर आगे चले जाते हैं माउस से तो ये इस काम से बचने के लिए हम टैब का की इस्तेमाल करते हैं यानी कि माउस को इस्तेमाल किए बगैर हम पूरे का पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं टैब कीज़ के ज़रिए शिफ्ट कीज़ शिफ्ट की इज़ प्रेस्ड इन कंबिनेशन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर एंड अपर सेम्बल्स शो ऑन दीज तो शिफ्ट की जो होती है उसको अगर हम प्रेस करके कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसका अपर शो होगा फॉर एग्जांपल अगर हम शिफ्ट दबा के ए दबाते हैं तो छोटा ए की बजाय वो बड़े कैप्टल में शो होगा सेम इसी तरह अगर हम कोई सिंबल देखना चाहते हैं तो वन टू थ्री के ऊपर मुख्तफ सिंबल लगे होते हैं जैसे टिल्डा याहू हैश तो हम शिफ्ट के ज़रिए वो अपने कीज़ के अंदर जो सिंबल हैं वो शो करवा सकते हैं कंट्रोल कीज़ कंट्रोल कीज़ इज़ प्रेस्ड इन कम्बिनेशन विद दी अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड्स फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल जमा ओ इज़ यूज टू ओपन ए न्यू फाइल तो जो कंट्रोल कीज़ हैं इनको मुतलि कीज़ के साथ मिलाकर जब प्रेस करते हैं तो तब भी मुतलि फंक्शनलिटी अपीयर होती हैं जो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है कंट्रोल प्लस ओ हम दबाएँगे तो वो न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगी ऑल्ट कीज़ या ऑल्ड कीज़ आर्ट की इज़ आल्सो यूज इन कम्बीशन विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड तो इसकी भी मुखलिफ़ फ़ंक्शनलिटीज़ अवेलेबल हैं कि अगर हम आर्ट को मुखलि की के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तफ़ फंक्शनैलिटी अपीयर होती है बैक स्पेस की बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट सिंगल करैक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कसर कसर के लेफ्ट की तरफ से अगर हमने कोई एक लेटर डिलीट करना है तो बैक स्पेस के हम ये काम कर सकते हैं एंटर की एंटर की इज यूज टू मूव द टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन इट इज नॉर्मली यूज एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ तो जैसे ही हम कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो हमने अगर न्यू लाइन पर जाना है या न्यू पैराग्राफ पर जाना है एंटर दबाते हैं तो वो नीचे चला जाता है इसी तरह कीज़ क्या होती हैं जिसके अंदर नुमेरिक यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और जीरो लिखा होता है वो कीज़ के अंदर आता है उसके बाद जो कीज़ आती हैं उसको कम कहते हैं एडिशनल कीज़ एडिशनल कीज़ के अंदर जो सबसे पहली टाइप है वो है एरो कीज़ जो तीर के निशान में आ चार नज़र आ रहे होते हैं लेफ़्ट राइट अपर और लोअर की तरफ उनको हम एरो कीज़ कहते हैं जिनके ऊपर चार तीर के निशान लगे होते हैं इंसर्ट डिलीट होम एंड पेज अप डेट डाउन कीज़ ये भी मुख्त फंक्शनैलिटी के लिए काम आती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने बहुत बड़ी फाइल ओपन की हुई है वर्ल्ड की या पी डी एफ़ की तो जैसे ही हम बॉटम पर गए हुए हैं या मिडल पर गए हुए हैं उस फाइल के तो हम होम का बटन दबाएँगे तो वो सबसे टॉप पर आ जाएगा इसी तरह अगर हम एंड का बटन दबाएँगे अगर हम सबसे ऊपर हैं फाइल के तो एंड का बटन दबाने पर वो सबसे एंड पे चला जाएगा फिर पेज अप और पेज डाउन क्या है कि अगर हमने कोई पेज ओपन किया हुआ है फर्ज करें 200 पेज की एक फाइल है और हमने वन हंड्रेड वाला पेज ओपन किया हुआ है तो पेज अप को दबाएँगे तो वो एक पेज ऊपर चला जाएगा व्यू और अगर हम पेज डाउन को दबाएँगे तो एक पेज नीचे चला जाएगा व्यू तो इस तरह ये एक एक पेज अगर हमने ऊपर नीचे जाना है तो पेज अप और पेज डाउन को इस्तेमाल करते हैं और अगर हमने डायरेक्ट ऊपर जाना हो या डायरेक्ट नीचे जाना हो तो उसके लिए हम होम या एंड का इस्तेमाल करते हैं जो डिलीट है वो सीधी सी बात है उसके नाम से है किसी चीज़ को डिलीट करने के लिए डिलीट का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है या की इस्तेमाल की जाती है प्रिंट स्क्रीन अगर हमने अपनी स्क्रीन का प्रिंट लेना हो तो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाते हैं स्क्रॉल लॉक्स बज दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपना जो स्क्रॉल होता है जो किसी भी पेज को ऊपर नीचे करने के लिए मदद देता है जो लेफ़्ट पे लगा होता है हम उसको पकड़ के ऊपर नीचे स्क्रोल कर सकते हैं किसी पेज को उसको अगर हमने डिसेबल या इनेबल करना हो तो हम स्क्रोल लॉक के जरिए ये काम करते हैं पॉज और ब्रेक कीज़ तो इसी तरह किसी चीज़ को हमने ब्रेक या पॉज करना हो तो उसके लिए ये कीज़ इस्तेमाल होती हैं इट इज़ यूज टू पॉज स्क्रीन वैन द इंफॉर्मेशन इज़ टू फास्ट टू रीड तो अगर हमने कोई रीड करनी है इंफॉमेसन तो वो नहीं हो रही बहुत तेज़ है तो थोड़ी देर के लिए हम उस स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं तो इस तरह हमने देखा कि एक की बोर्ड के ऊपर मुख्तफ़ टाइप्स की कीज़ अवेलेबल हैं फिर मुख्तिफ़ टाइप्स की कीज़ के अंदर भी मुख्तिफ़ टाइप्स की फंक्शनलिटीज़ की की अवेलेबल हैं फिर हर कीज़ की हर साफ्टवेयर के अंदर मुख्तफ़ फ़ंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल है तो ये था शॉर्ट सा तारफ़ की बोर्ड का बाकी लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़